शुक्रिया भाई जान, ये पकड़े इसे पकड़, ठीक है शुक्रिया सर, ठीक है। स्वागत छ हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो अर्को भिडियोमा। र अहिले चाहिँ म सैयदपुर भिलेजमा छु, पाकिस्तान इस्लामाबादमा। र यो अगाडिको भ्यू जस्तो छ, सुनेको थिएँ पुरानो भिलेज हो, तर यहाँ चाहिँ मैले केही पनि देखिरहेको छैन। उपर जाना है, उपर अस्सलाम वालेकुम जी, ऊपर जाना है मेरे को, ठीक है भाई जा सकते हो। तो कहाँ से जाना है, यहाँ से? यहाँ से सीधे ऊपर। अच्छा, शूटिंग भी होती है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया। र म चाहिँ माथि जाँदैछु, माथि होटल जस्तो छ, वाह। र गर्मी चाहिँ पाकिस्तानको आज चाहिँ एकदम गर्मी छ आम्मा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, यहाँ पे देखने के लिए क्या है? ये खाली मस्क है, हम खुद आपकी तरह देखने के लिए हैं। ये मस्क है, ये होटल शोटल का व्यू है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, इधर चले जाएं ना। कहाँ से ऊपर जाना है? इधर से जाना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर क्या है, कोई व्यू टावर है? व्यू यही नीचे वाले व्यू आ रहे हैं। अच्छा, और कुछ है नहीं है सर। मैंने सुना था कि यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है, मंदिर रामा मंदिर ऐसा कोई मंदिर से? अच्छा, यही है क्या रामा मंदिर? ये मंदिर है कि मस्जिद है? ये तो मंदिर तो नहीं लगता, गुम्बद नहीं लगता कभी मंदिर पे भी। बस ये ले, इसका नहीं पता। आप लोग ही पहली बार आए? नहीं, मैं तो आया था लेकिन मुझे इसका नहीं पता। क्या अच्छा, देखो जरा इनके इनके साथ। ये तो मंदिर है, ये है ना? हाँ, ये तो मंदिर है। ये मंदिर है? हाँ, ये मंदिर है। ये वो मंदिर है या चर्च? चर्च है, उसका मुझे नहीं पता। हाँ, चर्च भी नहीं, नहीं चर्च तो नहीं हो सकता क्योंकि मंदिर ही है। वो ऊपर ऊपर से जो दिखता है वो मंदिर ही दिखता है। आप कहाँ से आए हो? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल? नेपाल से? उर्दू तो सही सीखी? हाँ, उर्दू आती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इसका मुझे नहीं मालूम इसका। अच्छा, ये शायद मंदिर हो या हुआ है। वहाँ से यहाँ एउटा विलेज होला, मैंने कहीं भी पढ़ा था कि ये तो विलेज है। यहाँ पे विलेज में? विलेज है, गाँव है, विलेज सबसे पुराना गाँव है ना। ये पुराना गांव है ना, मतलब ये इस्लामाबाद का गांव है। जब अच्छा, एंटर होते हैं ना अच्छा, तो उसमें देख लेना कि ये बेड़ बकरियां वगैरह ये सारी होती हैं। और इस इधर से जाए ना, ये जो जितने भी घर बने हुए हैं ना, वो सारे देख लेना कि वो पुराने ज़माने के, क्योंकि जो इस्लामाबाद तो काफ़ी डेवलप है ना। गाँव में जो पाकिस्तान का विलेज अच्छा, होता है वो इसी तरह मोस्टली होता है। तो हम अंदर जा सकते हैं? विलेज में जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? इधर से अच्छा, इधर से जाओ, ऊपर से व्यू वगैरह लेनी, उधर से सारा व्यू नज़र आता है ना। अच्छा अच्छा, ऊपर से? ऊपर से। अच्छा, तो पहले विलेज जाएंगे तो फिर उसके बाद ऊपर जाएंगे? नहीं, पहले ऊपर जाओ ना, जहाँ पे आप करीब हो वहाँ से आप देखो। ऊपर से इस तरह करें, इधर ऊपर जाए ना, वहाँ से सारा विलेज नज़र आता है। अच्छा, जितने भी घर शहर हैं वहाँ से नज़र आते हैं, वहाँ से फिर आपको आइडिया हो जाएगा। रॉयल से हमें माथि व्यू टावर तीर जाँदैछ, पहले त्यहाँ माथि पुगेपछि चाहिँ भ्यू भ्यू टावरबाट भ्यू हेरेपछि चाहिँ भिलेजको भ्यू हेरेपछि बल्ल हामी भिलेजतिर जान्छौँ। र कितना दूर होगा ऊपर? ऊपर कुछ नहीं है, एक मिनट लगेगा। देख्न सक्नुहुन्छ माथि एउटा हाइट छ, त्यहाँ गएर चाहिँ हामी भ्युज हेर्नेछौँ। लगभग 10-15 मिनटको वाक होला जस्तो छ। र यो अगाडि होटेलहरू छ सबै, होटल ही है ना? मोस्टली इधर होते लोग आते हैं ना होटल के लिए भी, लेकिन वैसे वो है विलेज पुराना ना। अच्छा, तो इस वजह से लोग इसलिए खाने छाने के लिए भी आ जाते हैं। और अच्छा, ये क्या है? बस इधर देखने से अहिले पाकिस्तानी दाजुहरूसँग माथि हिल टपमा जाँदैछु। माथिबाट चाहिँ हामीले पहिला भिलेजको भ्यू हेर्छौँ, अनि भ्यू हेरिसकेपछि हामी फेरि भिलेजतिर गएर भिलेज एक्सप्लोर गर्छौँ। यो सबै एरिया चाहिँ होटलको जस्तो लागिरहेको छ, सबै होटल नै हो यो। र यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर हो, ए मन्दिर मन्दिर त नै होइन। अच्छा, त्यो होटल है। अस्सलाम वालेकुम जी, स्कुल था यो चाहिँ गुरुद्वारा और स्कूल था? नहीं नहीं, ये वाला स्कूल था, स्कूल ये था वाला। अच्छा, अभी मुझे खुद आइडिया नहीं है लेकिन वो अंदर वाला बता रहा है। लेकिन अच्छा, उनके कहने के अकॉर्डिंग ये मस्जिद है। अच्छा, और ये गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे के साथ ही ये जो छोटा है ये मंदिर है। अच्छा, वो मंदिर है। अच्छा, मंदिर अभी हमें नहीं पता। ये जो विलेज हो, ये सब हिस्ट्री अबाउट दिस विलेज आपको कोई मालूम है? कोई चीज मालूम है? नहीं नहीं, हम नहीं जानते इतना। मैंने सुना था कि ये पाकिस्तान का सबसे पुराना विलेज है। तो इस्लामाबाद का शायद कैसे? अच्छा, इस्लामाबाद का। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान का तो कहाँ से, पाकिस्तान तो पीछे एरिया में जाएं तो वो तो सारे विलेज अभी भी है ना, तो वो तो भी इससे भी ज्यादा वीरान है ये। इसका ये यहाँ से आइडिया लग रहा है ना कि देखें इस्लामाबाद तो काफी डेवलप है। अच्छा, ये घर इसके देख लें। और ये अच्छा, तो जो ये हिल्स है ना, इसको क्या, इसके
मार्गला हिल्स के बिल्कुल पास में ही है। हाँ, मार्गला हिल्स के पास ही है, बस इधर से जहाँ से हम एंटर हुए हैं ना, अच्छा वहाँ से ऊपर जाएंगे तो तकरीबन वहाँ से ऊपर दामनिकोह वगैरह, अच्छा दामनिकोह, और वहाँ से व्यू अच्छा दिखता है, वहाँ से पूरे इस्लामाबाद के व्यू नजर आता है। अच्छा, तो यहाँ से ऊपर का कोई है क्या रास्ता? हामी चाहिँ माथि भ्यू टावरतिर जाँदैछौँ। कितना दूर हो गया आगे ऊपर? तो यहाँबाट चाहिँ सेतपुर भिलेज, तपाईँहरूलाई थोरै चाहिँ मैले थाहा पाएँ अनुसारको तपाईँहरूलाई सेतपुर भिलेजको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो इस्लामाबादमा छ र यो इस्लामाबादको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो भिलेज हो र यो भिलेजको हिस्ट्री चाहिँ पहिला मुगल इरादेखि स्टार्ट हुन्छ यो भिलेजको बारेमा र अघि तपाईँहरूले मुनि देख्नुभयो होला त्यहाँ चाहिँ गुरुद्वारा र मन्दिर एकै ठाउँमा थियो र मैले पनि यसो थाहा सुन्ने गरेको थिएँ कि यो भिलेजमा पहिला हिन्दूहरूको धेरै एकदमै बाक्लो बस्ती थियो र अहिले चाहिँ यसो बुझ्दाखेरि कमै छन् यहाँ हिन्दूहरू चाहिँ र अहिले हामी माथि भ्युटोरतिर जाँदैछौँ। त आपका नाम क्या बताए भाइजान जी? आपका नाम? मेरो नाम सेफ। मेरो नाम प्रशान्त है। क्या? प्रशान्त। प्रशान्त। हाँ तो आप लोग क्या करते हैं? स्टूडेंट है कि काम करते हैं कि? जी अच्छा। अच्छा। तो आपको लगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ? हाँ, क्योंकि उर्दू भी आपका और इतना वो उसमें भी और मैंने तारी वगैरह से लगता है कि पाकिस्तानी हूँ। यहीँसम्म हो क्या यो भ्यूटा? यहीँ पे बस इतना ही है के छ यहाँ यस्तो? आपको पता होगा ये क्या है? अच्छा, ये प्रे करने के लिए ये मस्जिद है क्या? क्या है उधर, उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें? इसमें तो बैठक, ये बैठक मतलब बैठक मीन के बैठने की जगह, अच्छा जहाँ पे लोग सूफी जिंदा पीर किसी पीर की बैठने की जगह होती है, मतलब अच्छा इबादत की या कोई इस तरह। ये तो बस सुन लो, बेशक अल्लाह के वलियों पर। तो आप यहाँ पे प्रे करते हैं लोग? नहीं नहीं, हम एज जो हम मुस्लिम हैं हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम इसको वो नहीं दादा वो करते मानते इतना ज़्यादा नहीं मानते हम नहीं करते कुछ होते हैं उनके अकेले थोड़े मतलब इसमें मुस्लिम्स में भी जो होते हैं ना वो होते हैं जैसे शिया सुन्नी सुन्नी होते आप लोग क्या है? शिया सुन्नी है। अच्छा सुन्नी, ये लोग क्या है? शिया है। अब ये शिया तो मुझे नहीं जानते इसके। अच्छा, ये लोग जो मंदिर शंदिर वाले करते हैं मंदिर तो नहीं है ये, तो सैयद कोई उनका कोई है मंदिर है क्या? तो मंदिर तो नहीं लग रहा है, ये मंदिर नहीं है, जैसे दरबार होते हैं ना, दरबार दरबार सुन्नियों के, ये बिल्कुल किसी ना सैयद का दरबार है, मतलब ना वैसे उन्होंने कब्र वगैरह। सैयद एज ए कास्ट है। अच्छा, जो जैसे लाइक नेपाल में कोई कास्ट होती है जो सारे लोग उसके पास जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं तवीज शवीज वो करते हैं तो क्या उसे ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरह मुसलमानों में जैसे फिक्रे आते हैं ना, फिरके मतलब के फिरके मतलब जैसे सुन्नी है, अहल तशी है, वहाबी है, सैयद है। अच्छा, तो ये उन्हीं की अकॉर्डिंग है। अच्छा, सही है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोग शाहजी भी कहते हैं, सैयद भी कहते हैं, ये किसी सैयद का ना दरबार है। रायो से सैदपुर विलेज है, इधर से सारा भी नज़र आता है ना। अच्छा, अब फिर खुद जाओगे ना ये तो सारे तो अंदर अंदर जा सकते हैं हम विलेज के अंदर अंदर। हाँ, इधर से नीचे उतरोगे ना। अच्छा, आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं? आप लोग वापस आ रहे हैं? हम भी तो नीचे वापस जा रहे हैं। अच्छा, हम भी नीचे वापस। आप लोग किस में है? बाइक में है? हमारे पास बाइक है। अच्छा, हम दो होते तो तुझे भी आप साथ पे कर लेते। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो बस चलो नीचे। अच्छा, ये टॉप है तो यही है टॉप, मुझे तो लगता है यही टॉप है ऊपर, क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है ना। अच्छा, ऐसे उधर से कहाँ पे जाते हैं? इधर से ये तो झाड़ियाँ वगैरह ना, मतलब अगर कुछ नहीं है, रास्ता ही नहीं है। र माथि आएको माथि खासै टपसम्म चाहिँ रहन्छ, धेरै बाटो रहन्छ टप, यतिवटा यो चौतारा जस्तो छ र त्यहाँ इस्लामको के लेखाएर रहेछ, यो चाहिँ अगाडि हेर्नुभएको सेतपुर भिलेज। र सेतपुर भिलेज भन्ने त्यही मैले पहिला बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा पुरानो भिलेज जस्तो थियो, तर अहिले खासै त्यस्तो पुरानो केही छैन, सङ्ग टाइपको बिल्डिङहरू नै छ, सबै कङ्क्रिट टाइपले बनेको बिल्डिङहरू नै छ र तल होटेल छ। अहिले चाहिँ हामी फेरि ब्याक टु तल जान लाग्छौँ।
र हामी चाहिँ अहिले भिलेजतिर एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ भित्रतिर। त्यो गल्लीहरू चाहिँ एकदम सानसानो छ, त्यो रोटी नान बनाउँदैछ। तो यहाँ पे पठान लोग बैठते नहीं? नहीं वो ये है। अच्छा अंदर भी रास्ता है? अंदर है ना, चलो इधर ही चलते। पठान लोग तो इधर नहीं, मिक्स लोग हैं, पठान हर जगह मिलेंगे आपको। अच्छा होता है। गली और एकदम सानो सानो छ। क्या मतलब गली और माथि उकालो उकालो चढ्दैछ मैला। यो घरहरू चाहिँ पुरै पुरानो स्टाइलको छ सबै। यता पनि गलियाहरू, यता पनि गलिया। तो वही पे जो व्यू टावर है ना, उधर ही जा रहे हैं हम, जो ऊपर वहाँ पे। वहाँ त्यो अहिलेको भ्यू टावर भन्दा चाहिँ यो भ्यू टावर चाहिँ अलि अग्लो हाइटमा छ, र त्यहाँबाट चाहिँ सायद इस्लामाबाद र रावल लेकको भ्यू पनि त्यहाँबाट देखिन्छ भन्ने आशा छ मलाई। र यो अगाडि देख्नुभएको माथि रुखहरू जुन देख्नु भएको छ त्यहीँ जाँदैछौँ। र आज चाहिँ माथि जाँदैछौँ। र गर्मी चाहिँ, गर्मीको के कुरा गर्ने, एकदमै गर्मी छ यहाँ इस्लामाबाद भन्दा के गर्ने। गलत जाएगा। अच्छा नहीं, ये पहाड़ भी जाएंगे। ये पहाड़ तो नहीं है, नहीं वैसे इधर ऊपर से आप जाए ना यहाँ से ना। इधर ऊपर कुछ है जगह, जगह जैसे इधर पीछे है ना, थोड़ी व्यू नजर आ जाए। कुछ है ऊपर के, कुछ नहीं है ये सामने वाले पहाड़ी, पूरा व्यू नजर आता है। अच्छा उसके ऊपर तो नहीं जाना, व्यू लेना ना आपने। इस ये जो घर के पीछे ये पहाड़ तो एकदम ठुलो सा, पीछे जो घर है ना, आप उस पहाड़ी का कह रहे हैं? नहीं नहीं, इस घर के पीछे जो पहाड़ है, ये जो छोटा सा पहाड़ है ना इसी घर के पीछे, वो वहाँ पे जाना है। यहाँ से पीछे फिर आप यहाँ से जाएंगे ना, पीछे से पीछे हो जाए। अच्छा पीछे से फिर आपको पूरा पहाड़ नजर आ जाएगा। बात समझ में आई ना? हाँ समझ में। तो ठीक है चलते भाई। यो पहाड़ गयो भने त फुस्किन्छ हो, सासै फुस्किन्छ, एक दुई घन्टा लाग्छ होला कम्ती मानी। त्यही भएर हामी चाहिँ एकदमै यहाँको सानो छोटो छोटो मिठो हाइट भएको पहाडमा जाँदैछौँ माथि। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है कि क्यों रहते हैं? लोग रहते हैं, बहुत ही सुनसान सी जगह है। यहाँ पर जान पड़ चलो शायद भाइयाला नहीं खास था रही बाटो के बारे में। तो हमी से यहाँ सोच्ते मानी सोच्ते कता जाने भर बुझ्ते गई रह माथि नहीं जानु हम यहाँ है क्या मतलब ऊपर ही जाना चाहिए हमको जी। ऊपर जा रहे जिधर भी जाओ ऊपर जाओ, रास्ता मिल जाएगा। हाँ रास्ता मिलेगा यार, कोई मसला नहीं। उर्दू अच्छी है ना मेरी? उर्दू बहुत सही है। इतने भाव में पठानों को नहीं आती। अच्छा कुछ पठान जो है ना उनको उर्दू नहीं आती। हाँ वो अगर आप पेशावर की साइड जाओगे ना, हाँ उनको कम आती है। हाँ उधर कम कम आती है, आती है लेकिन बहुत ही कम आते हैं। अभी हमने थोड़ा सुनसान रास्ते से जाना पड़ेगा। कोई मसला नहीं भाई, अपना ही पाकिस्तान है, कोई मसला नहीं। ये कूरा छोपे आते ये बनाएंगे। हाँ भाई जान, ये जो मुर्गी है ना इसको छोप के जबा करें। मुर्गी बनाते हैं, मुर्गा बनाते नाश्ते के लिए इधर। अरे यार होटल वगैरह अल्लाह बना रहा खानी होने को तो कराऊँ सर। कुत्ता पीछे न पड़ जाए। कोई बात नहीं भाई, इधर सुपर रास्ता ज़्यादा मुश्किल है यार। कहाँ कहाँ यार माथे जानी होने को कहाँ है? वैसे ऊपर से व्यू मुश्किल ही है ना जरा। यहाँ बाटो सस्तो लगे ना मलाई।
इधर से कोई रास्ता नहीं होगा। अच्छा अच्छा तो आप देखे 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 यार इधर ही है ना, इधर पास में आ गए हम। होगा शायद, होगा शायद होगा, लेकिन ये कुत्ते से डर लगता है ना। मैं हूँ ना वहाँ भाई जान ले से माथी बाट करते हैं। ये क्या रास्ता नहीं है? यार कहाँ आ रहा हमें भड़की राशन इतने अपना सर ने भड़की राशन। तो फिर चलते यार, वो देखो वो कुत्ते आ गया। फिर वापस किया कुत्ते आ जाएगा भाई। माथे जाने मानेगा। चलो आजा आजा आ जाओ भाई, कोई बात नहीं। रहा मिशन फेल भएको छ हाम्रो, माथि भ्युटारमा जाने र हामी फेरि ब्याक टु भिलेज। र यो अगाडि हेर्नुभएको चाहिँ सबै सेतुर भिलेज। आराम से भाइ। अरू जो यो पहाड है ना, यसको नाम क्या बताया था आपने? मार्गला हिल्स। तो अच्छा, यो पहाडको उता चाहिँ मुनाल भिलेज है ना? हाँ, मुनाल इसके पीछे वाले बैक वाले साइड पे। अच्छा, और दामेनेखो भिलेज? दामेनेखो उस साइड के नीचे है, अच्छा, मुनाल के नीचे है। अच्छा, तो वहाँ पे बाइक जाती है ना? बाइक जो गाड़ी। अच्छा अच्छा, र यो चाहिँ थियो यहाँको सेतपुर भिलेज। जस्तो एक्सपेक्टेसन लिएर आएको थिएँ, मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ मिट भएन र हामी चाहिँ अब भिलेज तलतिर जाँदैछौँ। यो बाटो हुँदै ठिक है भाइजान, ठिक है। अरे यही कुखुरालाई हामीले बनाएर खाने भनेको भालेलाई केएफसी र यो चाहिँ थियो आजको मेरो सैदपुर भिलेजको बारेमा। र गाइज अब म यसपछि चाहिँ हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको लागि चाहिँ बिदा माग्छु। फर नाउ आइ एम साइनिङ अफ, गुड बाई।